वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज है 9 दिसंबर 2021। तो हम अब कल है जो उत्तराखंड जा रहे हैं, 2 साल के बाद कोविड की वजह से रुक गए थे, बट अभी फिर से न्यूज आने लगी है। जब भी हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं तो फिर हो जाता है कोविड, बट इस बार सोच रहे हैं कि जाके आते हैं। 15 डेज़ का टूर हो, भगवान करे सब अच्छा रहे और हम अच्छे से आ जाएं। ये सबके लिए हमने कुछ कुछ जो फ्रेंड्स फैमिली के लिए थोड़ा बहुत लिया है, गुजराती फरसान। ये यहाँ पे हमें सालम पार्क रख रहे हैं हम लोग, ताकि हम ठंडी जगह जा रहे हैं तो यहाँ सब मिलता है, सब गोंद वोंद इसमें डला रहता है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू टाइप्स का। तो वहाँ पे हम नाश्ते के साथ हम सब खाएंगे। यहाँ पे मैंने मेथी छान ली है, अब मैं इसको धोऊंगी। रास्ते के लिए हम मेथी के थेपले बना रहे हैं, ताकि मैं ट्रेवल में आराम से उसको खा सकें। तो मैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने जो मेथी है उसको साफ़ कर लिया है, ये थोड़ा जो जो पत्ते पत्ते छांट लिए हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। मेथी को मैंने तेल में लहसुन अदरक के साथ जीरा सौंफ डाल के और काली तिल सफ़ेद तिल डाल के मैंने तड़का लगा दिया है। आटे में मैंने बेसन आटा, गेहूं का आटा और थोड़ा सा बाजरे का आटा ले लिया है। अगर बाजरे का आटा ना हो तो आप सिर्फ बेसन और आटा। में हमने नमक हल्दी और थोड़ा सा दही और मोयन के लिए 2 चम्मच तेल डाला है, ताकि सॉफ्ट बने। और आटे में मैंने फ्राई की हुई मेथी डाल दी है। अगर आप चाहो तो मेथी को बिना फ्राई करे के डायरेक्ट आटे में गूंथ सकते हो। आटा गूंथ दिया है और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल की लेयरिंग कर दी है। आटा ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे पुलाव बन रहा है, ये पुलाव बना रहे हैं। लुक एट द किचन, किचन ऐसा हो गया है कि पूछो मत। छोटी लोई ली है मैंने और इसमें पलथन लगाया है, और ये सेकने के लिए बहुत कम सेकना होता है, ज़्यादा तेज आंच में, ज़्यादा मतलब देर तक सेकेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं रहते हैं थेपले। हाय बोलो बाबा। हम लोग स्टेशन में पहुंच गए हैं, अभी 11 बजने वाले हैं और ट्रेन का हम वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लगेज है हमारे पास, जो लगेज है वो परी की यहाँ पे फ़ोन देख रही है। अब देखो ठंड भी है हल्की हल्की सी, देखते हैं क्या होता है। बस यहाँ पे कोई कुली भी नहीं मिल रहा है इस टाइम हमको, देखो क्या होता है। अब मम्मा है। हाय बोलो मम्मा। हाय। कितनी कमजोर हो गई मम्मा तुम। कोई नहीं बाबा। ये पापा है, हाय करो पापा। हाय। हाय। अब 9 बजे हम लोग आ गए। ट्विगी देखो, तो मम्मी अभी मेरे लिए बहुत सारे ड्रेसेस मम्मी ने खरीदे हैं। तो लुक एट द कंडीशन ऑफ हाउस, पूरा फैला दिया है मैंने। अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, अभी 10 बजने वाला है। मम्मी थैंक यू सो मच मेरे लिए इतने सारे कपड़े लाने के लिए। हम मैं सारे ड्रेसेस को ट्राई कर रही हूँ अभी, और अब हम लोग चाय पी ली है, अब हम खाना बनाते हैं, फिर मैं ये ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगी। सब लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं।
पापा फोकस। जा तू भी बैठ चुकी, आप भी बैठ जाओ। क्या बना है आज? छोले, रायता, भांग की चटनी, रोटी और थेपले। तो पापा की पूजा हो गई है, अभी 7 बज रहे हैं। उन्होंने ठंडे पानी से नहा भी लिया है, बिकॉज गुजरात में तो पानी गर्म आता है, टैंकी से गर्म हो जाता है, यहाँ पे तो बहुत ठंडा है। अभी चाय बन गई है एक टाइम की, अभी मैंने गर्म पानी पी लिया है। और मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे यहाँ आके पता चला कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। तो मम्मी कह रही थी कि कम करो। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एक ऐसी फीलिंग आ रही है ना, लड़कियाँ नहीं बोलती मायके जाना है, बिकॉज पहले मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ऐसे टाइप की सोच रखती हूँ कि मायके, बिकॉज मम्मा से तो मेरी रोज़ बात होती है, मम्मा पापा से तो लगता ही नहीं कि मम्मा पापा दूर हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी वो है। बट फिर भी काफ़ी खुशी हो रही है कि बहुत टाइम बाद आए हो, आपकी जो केयर होती है, जो एकदम सब वेट करते हैं, आपकी फेवरेट खाना बनाते हैं जो आपको पसंद है। बट खाने से याद आया कि मम्मा कह रही थी कि मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है वेट, मैं हमेशा से मोटी रही हूँ बट अब ज़्यादा ही मुझे खुद को फील हो रहा है, मेरे गाल चबी चबी हो गए हैं। अब तो यहाँ आके बिकॉज़ यहाँ सब फिट हैं तो लग रहा है मुझे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा वेट मैंने पुट ऑन कर लिया है। तो अभी पापा ने चाय बनाई है, हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ठंड है, गुजरात में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी 2 ईयर्स के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, तो बहुत टाइम बाद अपने पेरेंट्स से मिलके फीलिंग आ रही है कि लड़कियाँ बोलती हैं ना मायके में जाके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज 5 साल हो गए मेरी शादी को, 5.5, मैं शायद 2 ही बार मायके आई होंगी, एक बार प्रेगनेंसी के टाइम आई थी मैं 6-7 मंथ के लिए, और अभी नेक्स्ट। गार्डन बनाया है घर पे ही, यहाँ पे फ्रेश फ्रेश धनिया है, धनिया मेरा छाया आ रही है यहाँ पे, और ये खाने में डालता है फ्रेश फ्रेश। और ये एलोवेरा है, ये एक डलिया में बनाया है, यूज़ किया है एक